में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे, भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल है वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे। धन्यवाद मुकुल जी, आप सबका स्वागत है। तो सीटों के बारे में मुकुल जी ने सारे स्टेट्स का डिटेल में बता दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरी देश की जनता बेरोजगारी महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। अहमद पटेला संतानोनું ચૂંટણી લડવાનું સપનું તૂટ્યું, ભરૂચ અને ભાવનગર બંને ઉપરથી આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણી લડશે, ગુજરાતમાં આપ 2 બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે, ભરૂચ અને ભાવનગર લોકસભા આપ લડશે। પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જે જાહેરાત થઈ છે તે અનુસાર હવે ચૈતર વસાવા ભરૂચ લોકસભા બેઠકથી લડશે। અહેમદ પટેલના સંતાનોનું ચૂંટણી લડવાનું સપનું તૂટ્યું છે। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे, भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। तो गुजरात में आप 2 बैठकों पर चूंटणी लड़शे और बाकी 24 बैठकों पर कांग्रेस चूंटणी लड़शे। भरूच અને ભાવનગર બંને ઉપર આમ આદમી પાર્ટીએ પસંદગી ઉતારી હતી અને આ સાથે સીધી રીતે કહ્યું પણ હતું કે જો આ સીટો અમને આપવામાં નહીં આવે તો અમે ગઠબંધનમાં સામેલ નહીં થઈએ। જો કે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એ જાહેરાત કરવામાં આવી। બીજી તરફ અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલ, મુમતાઝ પટેલ બંને કહ્યું કે આ બાબતથી રાહુલ ગાંધી પણ ખુશ નથી કે ભરૂચ લોકસભા બેઠક આમ આદમી પાર્ટીના ફાળે જાય, કેમ કે વર્ષોથી કોંગ્રેસ તો ગઢ રહ્યો છે, જો કે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ફાળે આ સીટ છે, ત્યારે ગુજરાતમાં આપ 2 બેઠકો ઉપર ચૂંટણી લડશે। કોંગ્રેસ भरूच અને ભાવનગર પરથી પોતાના ઉમેદવાર નહીં ઉતારે, 24 લોકસભા બેઠક પર ચૂંટણી લડશે। અહેમદ પટેલના સંતાનોનું ચૂંટણી લડવાનું સપનું તૂટ્યું છે।
कांग्रेस गुजरात में 24 लोकसभा बैठक पर चूंटणी लड़शे अने बे बैठकों पर आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों ने लईने पर जाहेरात करवामां आवी छे। परंतु गुजरात में जे गठबंधन थयुं तेनुं समीकरण कंईक आ प्रकारनुं छे। भरूच अने भावनगर बैठक पर आपना उम्मीदवारो नक्की। भरूचथी धारासभ्य चैतर वसावा, भावनगरथी उमेश मकवाणा आपना लोकसभा उम्मीदवार छे, जेनी नामनी जाहेरात पहला ज थई चूकी छे। कोण छे उमेश मकवाणा तेनी वात करिए तो बोटाद बैठक पर थी तेओ आम आदमी पार्टी ना धारासभ्य छे। घनश्याम विराणी अने मनहर पटेल ने तेमणे हराव्या हता। 2769 मतथी बोटाद बैठक तेमणे जीती लीधी हती। कोळु समुदायनो तेओ जाणीतो चेहरो छे, सामाजिक कार्यकर्ता, परोपकारी छे। बीए सुधीनो तेमणे अभ्यास कर्यो छे।